सिक्स डे चल रहा है और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का अगर ये चैप्टर को ले लिया जाए तो अभी भी हमारे पास चार चैप्टर बाकी हैं और सिर्फ दिन बचा हुआ सिर्फ एक। क्या ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन मुझे विश्वास है खुद में, एक उम्मीद है, एक फीलिंग है कि मैं कर लूंगा, भले ही रात को 3 बजे जगना क्यों ना हो, 4 बजे। कल 4 बजे 3 बजे तक जगा था एडिटिंग करने के लिए, मैं ऐसे ही दीवार पे लेट के ही नींद आ रहा था, सो गया था, फिर जो हुआ हुआ। ओके, तो फिर कहीं ना कहीं एक्चुअली क्या है ना कि साथ साथ एडिटिंग भी करना पड़ रहा है। ऑडिट की सीरीज में मेरा 7 डेज के पहले ही है, मिड 6.5 डेज में ऑडिट की सीरीज कंप्लीट हो गई थी, लेकिन इस सीरीज में समय लग रहा है। लगने देते हैं समय, क्योंकि आपको भी एग्जाम, क्योंकि आपको भी एग्जाम देना है, तो आप तक एटलीस्ट मैं कोशिश कर रहा हूं, तीन चार एटलीस्ट कुछ वीडियोस आपको देता रहूं। Day 4 की अभी तक वीडियोस आपको मिल गई होंगी, ये वीडियोस तो आपको लास्ट में मिलेगी, बट Day 6 पे हूं मैं, तो Day 4 तक की वीडियोस आज से कल तक कंप्लीट कर दूंगा। और बस आपसे यही उम्मीद है कि और तो क्या 2-3 दिन में एडिटिंग हो जाएगी, मतलब आपका मेरा 7 डेज, आपका पकड़ लीजिए 9 या 10 डेज मैक्स टू मैक्स, 10 दिन के अंदर हो जाएगा। तो बस शुरू करते हैं, ज्यादा भाषणबाजी अगर हो गई हो तो माफ करिएगा, और हम लोग सीधा चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर वन ऑफ क्वेश्चन, आई एम सॉरी, वन ऑफ क्वेश्चन नंबर वन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है। एक्चुअली आई एम नॉट दैट मच एक्सपर्ट कि जब मैं बोल रहा हूँ, बट वी विल गेट टू यूज, अगर मुझे लिखना हो तो शायद मैं वो लिख देता, लेकिन जब चीजें आप करते हैं तो ही सीखते हैं। सो बेस्ट प्रैक्टिस इज टू इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट थिंग्स, सो एग्जीक्यूशन इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी, वॉट एवर इफ यू आर स्टडिंग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड वन एंड द फॉरमोस्ट थिंग की एग्जीक्यूशन कर लो भैया, अगर माइंड में आपके ख्याल है ना वो ख्याल बन के रह जाएगा। क्या? अगर माइंड में आपके कोई ख्याल है तो ख्याल बन के रह जाएगा जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। इम्प्लीमेंट करिए, गलतियां होंगी, मुझे भी बहुत सारे कमेंट्स अभी मिलते हैं, कभी एक दो कमेंट मिला था मुझे कि जैसे कि एक टेलीग्राम ग्रुप में मुझे मिला कि यो इट इज नॉट सेटिस्फैक्टरी। सो आई आस्क्ड, उनको मैंने पूछा कि भाई ऐसा क्यों क्यों आपको लगा कि सेटिस्फैक्टरी नहीं, आप फीडबैक दीजिए, वी विल इम्प्रूव ऑन इट। तो उन्होंने कहा कि मैंने आपका एक वीडियो देखा और मुझे लगा ऐसा नहीं है, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई साहब देखिए आप और कोई वीडियोज देखिए, शायद आपको अच्छा लग जाए, और आप थैंक यू सो मच जो आपने रिव्यू दिया मुझे। So, मैं ऐसे ही करूंगा, अगर आप कोई फीडबैक दे रही हैं, उनका भी पॉइंट कहीं ना कहीं वैलिड था, उनका कहना ये था कि आप सबको सबको एक्रोनिम से याद करें, सारे का एक्रोनिम मेमोरी टेक्निक से, तो मैंने बोला देखिए हर चीज का एक्रोनिम बनाना पॉसिबल नहीं है, और आपको हर चीज का एक्रोनिम याद करके एग्जाम में जाना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारे चीज का अगर ये मैं इन सारे प्लेन क्वेश्चंस का अगर मैं एक्रोनिम देने लगूं तो आप क्वेश्चन कम एक्रोनिम ज्यादा याद करेंगे, मतलब याद ही नहीं रहेगा एग्जाम में, तो उसकी भी एक लिमिटेशन होती है। सो उस लिमिटेशन को भी आप ध्यान में रखते हुए सोचिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर वन, ज्यादा आपका समय नहीं लेते हुए स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है रिलेशनशिप मार्केटिंग, व्हाट इज रिलेशनशिप मार्केटिंग, लेट्स सी। लेट्स सी, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो प्लीज डू सब्सक्राइब अस, एंड आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और विजन इज टू हेल्प एवरीवन क्लियर सी एग्जाम्स बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर फ्री, तो इस विजन में पार्ट बनिए, वी आर हेयर टू हेल्प यू इन एवरी वे जो आपके एग्जाम में मदद करेगा आपका क्लियर सी एग्जाम्स करने में। चलिए, व्हाट इज रिलेशनशिप मार्केटिंग, इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग मेंटेनिंग एंड एनहेंसिंग। ओ, इट्स अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग मेंटेनिंग एंड एनहेंसिंग, इट्स अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग मेंटेनिंग एंड एनहेंसिंग। आज मैंने मोबाइल फिर इधर रख दिया यार, मोबाइल को उधर रखना है मुझे। सॉरी, सो रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या है? रिलेशनशिप मार्केटिंग इज क्रिएटिंग
maintaining and enhancing strong value-laden relationship. Value, मुझे पता नहीं वर्ड का मतलब क्या, बट आई कैन से वैल्यू लेडन रिलेशनशिप विद द कस्टमर, जो वैल्यू एडिशन करे आपके रिलेशनशिप में, वैल्यू एडेड रिलेशनशिप बोल लो, वैल्यू लेडन रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स, वैल्यू ड्रिवन बोल सकते हो, वैल्यू ड्रिवन जिसमें वैल्यूज हो, रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स, रिलेशनशिप विद कस्टमर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स और अदर स्टेक होल्डर के साथ. ठीक है, नाउ अब दस प्रोवाइडिंग स्पेशल बेनिफिट टू सेलेक्टेड कस्टमर टू स्ट्रेंथन बॉन्ड्स. जिससे हम अभी ऐसा होगा कैसे, आपको एक स्पेशल बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे आपके कस्टमर्स को, तभी तो देखो सब्जी सबको बेचता है, सब्जी सबको ही बेचता है, लेकिन जो धनिया मिर्चा दे देता है ना सब्जी के एंड में, वो सब्जी वाला अच्छा सब्जी वाला कहलाता है. तो यही है, आप क्या देता है ना सब्जी के एंड में, वो सब्जी वाला अच्छा सब्जी वाला कहलाता है. तो यही है, आप क्या वैल्यू एडिशन करें, क्या एडिशनल चीज उसे दे रहे हैं. सप्लाई चेन मैनेजमेंट, व्हाट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस की सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या होता है. अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो जल्दी जाकर वो प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए, आपको पार्ट टू में आई गेस मिल जाएगा, हाँ पार्ट टू में या पार्ट वन में मिल जाएगा. सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ज्वाइंट वेंचर क्या होता है, ज्वाइंट वेंचर इज अ बिजनेस एग्रीमेंट. एक सिंपल सा अगर लाइन में बोला जाए कि क्या है, इट्स अ बिजनेस एग्रीमेंट, ऑब्वियसली दो या दो से अधिक पार्टी में होगा, इन विच पार्टीज एग्रीज टू डेवलप. पार्टीज लिखा हुआ है मतलब दो से अधिक पार्टी होंगी, एग्रीज टू डेवलप फॉर दो से अधिक मतलब दो पार्टी भी हो सकेंगी, दो या दो से अधिक फॉर अ फाइनाइट टाइम. एक फाइनाइट टाइम के लिए अग्रीड होती है दो चीज सब जो होते हैं, जो जैसे फाइनाइट लिखा हुआ है, इट मीन्स की डेफिनेट टाइम के लिए, नॉट फॉर इनफाइनाइट. A new entity and new asset by contributing equity. एक नया entity और नया asset form करते हैं अपनी equity को contribute करके. They exercise control over the enterprises और उस enterprise पे ये लोग control बना के रखते हैं. And consequently share revenues and expenses and assets. और उसके बाद उसके हिसाब से अपने profit को, अपने revenues को, अपने assets को share करते हैं. Service marketing क्या है? कुछ नहीं, सर्विस मार्केटिंग, जब मार्केटिंग सर्विस में होगी तो सर्विस मार्केटिंग. मार्केटिंग इज अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ द मार्केटिंग टू द सर्विसेज. सर्विसेज में जब आप अप्लाई करते हैं जो मार्केटिंग के टूल्स है उसको सर्विस मार्केटिंग बोलते हैं. इनलाइटेड मार्केटिंग क्या होती है, अच्छा वर्ड है, इनलाइटेड हो गए हम भाई, खुश हो गए हम. Enlightened marketing helps a customer company to support best long run performance of the marketing system. Enlightening marketing जो एक customer running marketing जो एक company को long run performance of the marketing system देगी. It is based on the five principle. ये पांच principle आपको कैसे long term performance मिलेगा marketing का, उसकी पांच principle है. Customer oriented होना चाहिए आपकी मार्केटिंग, अगर कस्टमर ओरिएंटेड है तो आपको इनलाइटिंग मार्केटिंग बोल सकते हैं. इनोवेटिव होना चाहिए, वैल्यू मार्केटिंग होना चाहिए, वैल्यू एडिशन हो उसके साथ, सेंस ऑफ मिशन उसमें होना चाहिए, सेंस ऑफ मिशन, एक सेंस ऑफ मिशन होना चाहिए. एंड सोसाइटल मार्केटिंग होना चाहिए, सोसाइटल मार्केटिंग बोले तो सोसाइटी के अनुसार. तो आपको कस्टमर ओरिएंटेड मार्केटिंग करो, इनोवेटिव वैल्यू एडिशन करो, सेंस ऑफ मिशन रखो अपने मार्केटिंग में, और सोसाइटल मार्केटिंग करो सोसाइटी के अनुसार. आप इंडिया में वेस्टर्न कल्चर की मार्केटिंग करोगे तो शायद उतना चीजें ना बिक पाए. देखो ऑल दो बिकेंगी क्योंकि वो इंडिया है, इंडिया में सब कुछ बिकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मेरा लैपटॉप हो गया. जस्ट अ मिनट, मैं कुछ कर रहा हूँ. हाँ एक्चुअली ये चलता नहीं है कभी कभी. तो हो गई इनलाइटेड मार्केटिंग. पोर्शन मार्केटिंग क्या होता है, पोर्शन मार्केटिंग आइए देखते हैं. पोर्शन मार्केटिंग, पोर्शन मार्केटिंग कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज अंडरटेकन टू क्रिएट, मेंटेन एंड चेंज. ये ऐसा चीज है जो एक्टिविटीज अंडरटेक किए जाते हैं टू क्रिएट, मेंटेन और चेंज एटीट्यूड और बिहेवियर टुवर्ड्स प्रोडक्ट
पर्टिकुलर पीपल, जो जो एक्टिविटीज हम एक ऑर्गेनाइजेशन करता है टू क्रिएट मेंटेन एंड चेंज, क्या करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, उस पर्टिकुलर पीपल एटीट्यूड्स को और बिहेवियर, एटीट्यूड्स और बिहेवियर टूवर्ड्स व्हाट पर्टिकुलर पीपल, किसी पर्टिकुलर पीपल के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की तरह लिया जाए तो फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिशियन, स्पोर्ट्स स्टार्स, फिल्म स्टार, स्टार्स प्रोफेशनल मार्केट देमसेल्व टू गेट वोट और प्रमोट देयर कैरियर्स एंड इनकम। देखिए पर्सनल मार्केटिंग, वो खुद को प्रमोट करते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स आप पॉलिटिशियन, स्टार, स्पोर्ट्स स्टार्स, ये सारे लोग वही करते हैं, पर्सनल मार्केटिंग, खुद की मार्केटिंग करते हैं। यार फालतू मार्केटिंग है यार। देखो अपना सिंपल सा फंडा है, ऐसा नहीं कि अपने डाई हार्ड फैन है किसी पर्सन के या फिर किसी के वो है। हाँ चल उसके ऊपर कभी बाद में बात होगी। मैं ये सोच रहा था पर्सनल मार्केटिंग आदमी क्यों करता है, अगर आप इन्फ्लुएंशियल हैं तो खुद ही हो जाए। लॉजिस्टिक स्ट्रेटजी, लॉजिस्टिक स्ट्रेटजी आपको पहले से बताया हुआ है, लॉजिस्टिक स्ट्रेटजी क्या होता है एकदम डिटो बताया हुआ प्रीवियस वीडियोस में, अगर हमारे साथ जुड़े होंगे तो आपको पता होगा। प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है, प्रोडक्शन सिस्टम आइए देखते हैं, सिंपल सा है डेफिनेशन। एक्टिविटीज डायरेक्टेड टुवर्ड्स क्रिएशन ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर द कस्टमर, ऐसी एक्टिविटीज जो डायरेक्टेड हो कस्टमर के प्रोडक्ट और सर्विसेज को बनाने में, बस वो हो गई प्रोडक्शन। डिफरेंशियल मार्केटिंग, डिफरेंशियल मार्केटिंग क्या होता है, अ मार्केट कवरेज स्ट्रेटेजी इन विच फर्म डिसाइड्स टू टारगेट सेवरल मार्केट सेगमेंट। अगर जब मार्केट, आप मार्केटिंग करते हो तो आप किसी किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द मार्केट को डिसाइड करते हो, टारगेट करते हो, तो वो हो गई आपकी डिफरेंशिएशन। कैन बी अचीव थ्रू वेरिएशन इन द साइज, शेप, कलर एंड द ब्रांड नेम एंड शोर। अब डिफरेंशिएशन कैसे हो सकता है, आप अपने ब्रांड नेम का साइज, शेप, कलर, ब्रांड नेम एंड शोन चेंज करेंगे तो इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल मार्केटिंग, ठीक है। A market coverage strategy in which a firm decides to target several marketing segments and design separate offer for each, हर के लिए एक अलग ऑफर। तो डिफरेंशिएशन कैन बी अचीव थ्रू वेरिएशन इन साइज, शेप, कलर, ब्रांड नेम एंड सो ऑन। साइज, कलर, शेप और ब्रांड नेम एंड सो ऑन। साइज, कलर, शेप और ब्रांड नेम में थोड़ा सा चेंज करके आप अलग अलग जगह पे अलग अलग मार्केटिंग कर लो। जैसे कि मैं अगर बताऊं, आप आज तक न्यूज चैनल देखते हैं, यहाँ तक हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, आप आज तक न्यूज देखेंगे तो उसमें मराठी भी है, बांग्ला भी है, मराठी तक, बांग्ला तक, क्या क्या है। तो वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ब्रांड नेम मतलब चेंज करके वहां की न्यूज दिखाते हैं, उनके लोगोस देखोगे तो हमेशा हर जगह के अलग अलग रहेंगे। अब सिंक्रो मार्केटिंग क्या होता है, सिंक्रो मार्केटिंग क्या होता है, व्हेन द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज इरेगुलर, जब प्रोडक्ट का डिमांड इरेगुलर है, मतलब कॉजिंग आइडियल कैपेसिटी और वन ओवर कैपेसिटी, जिससे आइडियल कैपेसिटी और ओवर कैपेसिटी पे इफेक्ट पड़ा। सिंक्रो मार्केटिंग कैन बी यूज्ड टू फाइंड वेज टू ऑल्टर द पैटर्न ऑफ द डिमांड सो दैट इक्विट्स मोर सुटेबल विद द पैटर्न ऑफ द सप्लाई। इट कैन बी डन थ्रू फ्लेक्सिबल प्राइसिंग, प्रमोशन एंड द अदर इंसेंटिव। आपको क्या लगता है कि जो आपकी डिमांड है प्रोडक्ट की वो इरेगुलर है, पानी पी लो, इरेगुलर है, इरेगुलर है बोले तो कभी ज्यादा तो कभी कम, कभी एकदम नहीं, तो उसको सही करने के लिए हमको सिंक्रो मार्केटिंग करना होगा। और ये कैसे होगा, इट कैन बी डन थ्रू फ्लेक्सिबल प्राइसिंग, प्राइसिंग को फ्लेक्सिबल रखिए, जब आपका डिमांड कम हो तो प्राइस घटा दीजिए, जब डिमांड ज्यादा हो तो बढ़ा दीजिए, जैसे ऊबर करता है। प्रमोशन अच्छे से करिए और अदर इंसेंटिव्स भी देते रहिए, ऊबर का एग्जाम्पल यहाँ पर फिट होता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट।
छोटे छोटे डेफिनेशन हैं, दो तीन कीवर्ड्स हैं, बस उन्हें आप ध्यान में रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब आपका आ गया फेवरेट क्वेश्चंस करेक्ट और इनकरेक्ट। तो चलिए आप बताइए कि कौन सा करेक्ट है। एक दो कहते हैं पहले बोला फंक्शनल लेवल कॉन्स्टिट्यूट लोवेस्ट हायरार्किकल लेवल ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। बोला फंक्शनल लेवल कॉन्स्टिट्यूट करता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का लोवेस्ट लेवल, तो क्या है इनकरेक्ट या करेक्ट सोचिए। मार्केट पेनिट्रेशन इग्नोर्स कंपटीशन। मार्केट पेनिट्रेशन बोलता है वो इग्नोर करता है कंपटीशन को, आपको क्या लगता है इनकरेक्ट या करेक्ट। स्कीमिंग मींस कीपिंग प्राइसेस लो। स्कीमिंग का मतलब होता है कि प्राइसेस को लो रखना, क्या बोल रहे हो आप। पीएलसी इज एन एस शेप्ड कर्व। पीएलसी एक एल शेप्ड कर्व है, बताइए सही है या गलत। Augmented marketing is a provision of additional customer services and benefit. Augmented marketing में क्या है? Is an additional customer services and benefit provide करना। क्या आपको लगता है ये सही है या गलत? जो भी है बताइए। Tele shopping is an instance of direct marketing. Tele shopping एक direct marketing का part है। तो फंक्शनल लेवल पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि फंक्शनल लेवल कॉन्स्टिट्यूट लोवेस्ट हायरार्कियल लेवल ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। बोला कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का सबसे लोवेस्ट लेवल फंक्शनल लेवल है। जी हाँ करेक्ट बात। फंक्शनल लेवल मैनेजर्स एंड स्ट्रेटेजिस्ट ऑपरेट एट द लोवेस्ट हायरार्कियल लेवल ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब फंक्शनल लेवल जो है वो सबसे निचले स्तर पे काम करता है, क्योंकि चीजों को ऑपरेट कराना ऑपरेशन में नाला फंक्शनल लेवल का ही काम है। फंक्शनल लेवल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शंस। स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑपरेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे मैंने पहले बताया ह्यूमन रिसोर्स, परचेजिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कस्टमर सर्विसेज एंड सोमॉन ऐसे करके बहुत सारे सर्विस तो ये स्टेटमेंट है करेक्ट जो आपको वो बताएगी। मार्केट पेनिट्रेशन इग्नोर्स कॉम्पिटिशन। वो कॉम्पोजिशन या कॉम्पिटिशन को इग्नोर करता है, कॉम्पिटिशन को इग्नोर करता है, आपको क्या लगता है? आपको लग रहा था करेक्ट लेकिन ये है इनकरेक्ट। मार्केट पेनिट्रेशन रेफर्स टू ग्रोथ स्ट्रेटेजी। ये क्या करता है? कॉम्पिटिटर छोड़ो, ये ग्रोथ स्ट्रेटेजी पे फोकस करता है। बिजनेस फोकसेस ऑन सेलिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन टू एग्जिस्टिंग मार्केट। इससे क्या होगा कि आपका, मेरे को कोलगेट का एग्जांपल याद आता है, कोलगेट वाला अगर बोले आपको कि सुबह भी ब्रश करिए शाम को भी ब्रश करिए, तो अवेयरनेस फैला के अपने प्रोडक्ट को ज्यादा बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो वही बात है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इससे आप ग्रोथ पे फोकस करते हैं और इसका प्रोसेस आप नहीं करता। अरे भाई साहब इग्नोर्स कॉम्पिटिशन करेक्ट है या इनकरेक्ट? जी नहीं, ये करेक्ट नहीं है, ये इग्नोर नहीं करता इसको कंपटीशन। स्कीमिंग मींस कीपिंग प्राइस वेरी लो। स्कीमिंग का मतलब है प्राइस को बहुत लो रखना। गलत बात। प्राइसेस ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट वेरी वेरी हाई लेवल। स्कीमिंग का मतलब होता है प्राइसेस को बढ़ा के रखना, एकदम ऊपर ऊंचाई पे रखना जो भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करोगे। तो ये बोल रहे हैं लो नहीं भाई साहब, लो नहीं हाई। PLC is an S-shaped curve. PLC क्या एक S-shaped curve है? बात तो सही निकल गई भाई साहब ने। करेक्ट। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल विच इज ग्राफिकल डिपिक्शन ऑफ सेल्स ओवर टाइम इज एन S-shaped curve एंड फोर स्टेजेस विथ फोर स्टेजेस। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, स्टेजेस विथ फोर स्टेजेस। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डिक्लाइन। तो PLC curve, product life cycle is an S-shaped curve with the four thing example। अगर याद हो मैंने बच्चे का example दिया था आपको, वो बच्चा बड़ा होके तो introduction, growth, maturity और decline का option आता है। हम लोग BCG matrix में पढ़े थे अगर आपको याद हो तो बात सही है कि ये S-shaped होता है। Augmented marketing is provision of additional customer services and benefit। ये क्या एडिशनल कस्टमर सर्विसेज और बेनिफिट दिलाने का प्रोविजन है, मतलब स्ट्रेटेजी है। करेक्ट।
refers to deliberate and accelerate efforts to get better marketing returns through additional means. इसका सिंपल और सादा मतलब होता है कि एडिशनल तरीके से हम एक बेटर मार्केटिंग से रिटर्न निकाल पाए. इट इंक्लूड्स प्रोविजन ऑफ एडिशनल कस्टमर सर्विसेज एंड बेनिफिट बिल्ट अराउंड द केयर एंड एक्चुअल प्रोडक्ट्स दैट रिलेट टू द इंट्रोडक्शन ऑफ हाईटेक सर्विसेज लाइक मूवीज ऑन डिमांड. तो ये कहने का मतलब ये है इसका कि जी हाँ बिल्कुल ऑगमेंटेड मार्केटिंग का कहने का मतलब ये कि मार्केटिंग से हम हाई रिटर्न लेके आएंगे विथ प्रोवाइडिंग एडिशनल सर्विसेज और एडिशनल बेनिफिट्स. टेली शॉपिंग इज एन इंस्टेंस ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग. आपको क्या लगता है टेली शॉपिंग जो आता है आपको वो एक इंस्टेंस है डायरेक्ट मार्केटिंग का? आंसर इज परफेक्ट करेक्ट. डायरेक्ट मार्केटिंग इज रन थ्रू वेरियस एडवर्टाइजिंग मीडिया. डायरेक्ट मार्केटिंग कैसे होता है? वेरियस एडवर्टाइजिंग मीडिया के थ्रू होता है दैट इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द कस्टमर्स. बस वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता था इसलिए डायरेक्ट मार्केटिंग हो गई. इज अ फॉर्म ऑफ द डायरेक्ट मार्केटिंग विच ऑपरेट्स विदाउट कन्वेंशनल इंटरमीडिएटरी एंड एम्प्लॉयज टेलीविजन एंड अदर आईटी सर्विसेज फॉर रीचिंग द कस्टमर्स. ये डायरेक्ट कस्टमर से रिलेट करता है, रीच करता है, इस चीज को डायरेक्ट मार्केटिंग बोला जाता है. नाउ डायरेक्ट मार्केटिंग बोला जाता है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर सेक्शन दैट इज स्टार्ट्स फ्रॉम GHIJKL. L विल बी लास्ट आई गेस. सो एस इज व्हाट सेइंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज कॉन्सेप्चुअली वाइडर देन द लॉजिस्टिक मैनेजमेंट. ये आपको पता होगा, हमने ये क्वेश्चन किया भी था. करेक्ट है इनकरेक्ट बताइए. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एड्स इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. करेक्ट है इनकरेक्ट है? प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट सपोर्ट्स एंड ड्राइव्स हायर स्ट्रेटेजी. प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट सपोर्ट्स एंड ड्राइव्स हायर स्ट्रेटेजीज. जो प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी क्या करता है? इंप्लीमेंट करता है, सपोर्ट करता है और ड्राइव करता है हायर स्ट्रेटेजीज. आपको बताना है करेक्ट है इनकरेक्ट. मार्केटर्स अलोन कैन डिलीवर सुपीरियर वैल्यू टू द कस्टमर. रहने से ही बस काम हो जाएगा आपका या फिर कुछ और करना होगा? द रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इज सिग्निफिकेंट. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का रोल बड़ा ही सिग्निफिकेंट है इन बिल्डिंग ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी इन फर्म. एक अच्छी कॉम्पिटेंसी बनाने के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का काम बड़ा ही डिमांडिंग है. डी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज मे एम टू रिड्यूस डिमांड टेम्पोरली ऑफ प्राइमरीली. डी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज मे एम टू रिड्यूस डिमांड टेम्पोरली और परमानेंटली. कुछ देखो मार्केटिंग के साथ डी मार्केटिंग होता है. अब डी मार्केटिंग क्यों होता है? एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट जब लॉन्च होता है उसके साथ उसका पुराना प्रोडक्ट का डी मार्केट किया जाता है, उसके दाम को घटा दिया जाता है. इससे क्या होता है, उसके नए प्रोडक्ट पे ज्यादा लोग फोकस करते हैं और लोग समझ जाते हैं कि भैया नया प्रोडक्ट आने वाला है. तो जी क्या हो गया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज कॉन्सेप्टुअली वाइडर देन द लॉजिस्टिक मैनेजमेंट. जी क्या हो गया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज कॉन्सेप्टुअली वाइडर देन द लॉजिस्टिक मैनेजमेंट. आपको बताना है. आंसर विल बी आई गेस करेक्ट होगा. जी हाँ ये करेक्ट है, हमने पढ़ा हुआ था क्वेश्चन में. इज एन एक्सटेंशन ऑफ लॉजिस्टिक मैनेज. ये एक एक्सटेंशन है. लॉजिस्टिक मैनेज रिलेटेड टू प्लानिंग इंप्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द स्टोरेज एंड मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. व्हाइल सप्लाई इज मोर देन व्हाट देन दे डू, इट इज टूल टू बिजनेस ट्रांसफर इन्वॉल्विंग डिलीवरी एट द राइट प्रोडक्ट राइट प्लेस. तीन चार चीजें राइट करता है, राइट प्रोडक्ट को राइट टाइम पे राइट प्लेस और राइट प्राइस पे डिलीवर करता है. जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया होगा फ्लिपकार्ट और अमेजोन का. प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट सपोर्ट्स एंड डिराइव्स हायर स्ट्रेटेजी. प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी हायर प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट सपोर्ट्स एंड ड्राइव्स हायर स्ट्रेटेजी. एक हायर स्ट्रेटेजी ड्राइव करता है. आंसर विल बी यही वाला है ना पार्ट क्वेश्चन नंबर आई था हमने एस तक नहीं एस था क्वेश्चन नंबर आई था प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी. तो ह्यूमन रिसोर्स वाला हमने नहीं किया गया, ये देखते हैं पहले. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एड्स इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एड्स इन द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट.
देखो कलर रहने से कितना अच्छे से पता चल गया कि ये वाला नहीं हुआ था, ये वाला हुआ था, ऐसे बोल के। द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू इफेक्टिवली डील विद द एक्सटर्नल एनवायरमेंट चैलेंजेस। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है, आपको ऑर्गेनाइजेशन को इम्पावर करता है कि आप एक्सटर्नल एनवायरमेंट के चेंजेस को रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है आपको ऑर्गेनाइजेशन को इम्पावर करता है कि आप एक्सटर्नल एनवायरमेंट के चेंजेस को आराम से हैंडल कर सकते हैं। The function has been accepted as a partner in the formulation. और ये function has been accepted as a partner in the formulation of the organization strategy and implementation of sub studies through human resource planning, employment and the appraisal and rewarding of the personnel. तो statement क्या है? Statement है correct, सही बात है कि जो human resource management है वो strategy management का बहुत बड़ा पार्ट है। प्रोडक्शन स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट सपोर्ट एंड ड्राइव्स हायर स्ट्रेटजी। प्रोडक्शन स्ट्रेटजी क्या करता है? फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ हायर लेवल स्ट्रेटजी स्ट्रेटजीज नीड्स टू बी प्रोवाइड डायरेक्शंस टू द फंक्शनल मैनेजर। अब देखो करिए, फंक्शनल मैनेजर नीड टू प्रोवाइड डायरेक्शंस, फंक्शनल मैनेजर्स को डायरेक्शन देना होगा इंक्लूडिंग प्रोडक्शन रिगार्डिंग द प्लान्स एंड पॉलिसीज टू बी अडॉप्टेड। और प्रोडक्शंस की भी बारे में हम बात करेंगे कि देखिए प्रोडक्शन आप ऐसे 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 इतना उतना करिएगा। सो फॉर इफेक्टिवली ये मतलब आंसर करेक्ट होगा कि जो आपका स्टेटमेंट है वो बिल्कुल बिल्कुल सही है कि जो प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट सपोर्ट एंड ड्राइव हायर स्ट्रेटेजी, प्रोडक्शन कितना करना है वो हायर स्टडीज डिसाइड करता है। मार्केटर्स अलोन कैन डिलीवर सुपीरियर वैल्यू ऑफ द कस्टमर्स, मतलब मार्केटर अकेले ही सुपीरियर वैल्यू कस्टमर्स को डिलीवर कर सकते हैं। नहीं ना, नहीं, इनकरेक्ट है। अ मार्केटर अलोन कैन नॉट डिलीवर सुपीरियर वैल्यू टू द कस्टमर, इट नीड्स टू वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट, नीड्स टू वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट, इट नीड्स टू वर्क, इसको जरूरत है वर्क करने की विद अदर डिपार्टमेंट के साथ टू अकॉम्प्लिश इट। सिंपल सी बात है, कोई अकेले कुछ नहीं कर सकता, आपको अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम करेंगे तो ही होगा। नाउ द रोल ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इज सिग्निफिकेंट इन बिल्डिंग ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी ऑफ द फर्म। जो रोल है, द रोल ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स का रोल है, इज सिग्निफिकेंट इन बिल्डिंग ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी। द रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इज सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट है इन बिल्डिंग ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी, कोर कॉम्पिटेंसी बिल्ड करने के लिए। अच्छा क्वेश्चन, आपको बताइए करेक्ट है इनकरेक्ट है, बता रहे हैं बोले दिखा दो ना यार, क्यों इतना करते हो। बोले ठीक है, करेक्ट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स हैज सिग्निफिकेंट रोल इन प्लेइंग डेवलपिंग कोर कॉम्पिटेंसी ऑफ द फर्म। जी हाँ, एक अच्छे फर्म बनाने में ह्यूमन रिसोर्स का ही काम होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। कोर कॉम्पिटेंस इज अ यूनिक स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच मे नॉट बी शेयर्ड बाय अदर्स। एक कोर कॉम्पिटेंसी मतलब आपकी एक अलग क्षमता, अलग एबिलिटी जो और कहीं नहीं मिलेगी। कोर कॉम्पिटेंसी कैन बी जनरेटेड एंड मेंटेन ओनली थ्रू इट्स इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स एंड देयर स्किल। देखो आपके पास एक अच्छी कॉम्पिटेंसी आ गई, कोई भी काम कॉम्पिटेंट इनफ है करने के लिए, तो वो होता है कॉम्पिटेंसी। और ये चीज आप में खुद की लिए, किसी की ना, मतलब इसको मेंटेन कर ली करने के लिए प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स आपके पास होना चाहिए। डी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज मे एम टू रिड्यूस डिमांड टेम्पोरली और परमानेंटली। डी मार्केटिंग स्ट्रेटजी का एम क्या रहेगा? टू रिड्यूस डिमांड टेम्पोरली और परमानेंटली। डी मार्केटिंग स्ट्रेटजी का एम है टू रिड्यूस डिमांड टेम्पोरली और परमानेंटली। डी मार्केटिंग स्ट्रेटजी का एम है रिड्यूस करना डिमांड टेम्पोरली और परमानेंटली। आपका क्या कहने का मतलब है? जैसे मैंने इसके एप्पल का एग्जाम्पल लिया था ना, डी मार्केटिंग इज अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी टू रिड्यूस डिमांड टेम्पोरली और परमानेंटली। सही बात है, द एम इज नॉट टू डिस्ट्रॉय डिमांड, ऐसा नहीं कि डिमांड को डिस्ट्रॉय करना है, बट ओनली टू रिड्यूस और शिफ्ट इट, या तो रिड्यूस करना है शिफ्ट, जैसे एप्पल का ओल्ड प्रोडक्ट है नए प्रोडक्ट में छाप दिए। फॉर एग्जाम्पल बसेज आर ओवरलोडेड इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, रोड्स आर बिजी फॉर द मोस्ट ऑफ द टाइम, जूलॉजिकल पार्क्स आर ओवर क्राउडेड ऑन सैटरडे।
संडे संडे। तो हेयर डी मार्केटिंग कैन अप्लाई टू रेगुलेट डिमांड। यहाँ पर डी मार्केटिंग की जा सकती है कि डिमांड को मतलब कंसिस्टेंटली बनाया जाए। जैसे सुबह में लोग आते हैं तो ये आप डी मार्केटिंग कर लो कि भैया सुबह बस फुल जाती है, बहुत भरी जाती है, आप मत जाया करिए, बाद में जाइएगा। तो ऐसे करके आप उसको फ्लो बना सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, टाइम देख लेते हैं, टाइम हो गया है बॉस, तो स्टॉप करते हैं। आपसे मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया, हमारे साथ बने रहिए और आई चैनल।